कि ये जो अधिनायकवाद देश में चल रहा है, ये जो गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, या जो आर्थिक नीतियों के कारण देश आर्थिक गुलामी की तरफ गया है, देश दलितों के खिलाफ मुहिम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह के आइडियाज़ लेके आती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट यूनिट को बांट देना, प्राइवेट लोगों को दे देना, इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर की रिजर्वेशन पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का अत्याचार हुआ है और आपसी एकता और सामाजिक न्याय पर जिस तरह का हमला हो रहा है, इन सब के खिलाफ विपक्षी एकता विचारों से बंधे हुए हैं। अभी वो समय नहीं आया है कि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कौन चेहरा होगा, नहीं, जो वो तय करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि विपक्षी एकता को कितना धारदार और मजबूत बनाया जाए, जिसका प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अब उनके ऊपर मैं छींटाकशी नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, बुज़ुर्ग नेता हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि चले गए। लेकिन जो बातचीत, वार्तालाप, बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से हो रहा था, यहाँ विपक्षी एकता की बात हो रही है, आप चले गए साहब अमित शाह जी से मिलने के लिए, ऐसे समय में जब विपक्षी एकता की बात हो रही है और खुद ही रिज़ाइन कर दिया, तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर वो नए रास्ते को तलाश कर रहे हैं। तो जो भी रास्ता तलाश करें उनको मुबारक, मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और उसी समाज के एक व्यक्ति को हमने इमीडिएटली मिनिस्टर भी बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तो समाज में हमारी एका बनी हुई है और समाज ये देख रही है कि कौन सा व्यक्ति किन कारणों से समाज को जो फ़ायदा हो रहा था उस फायदे को छोड़ करके जिससे समाज का नुकसान हो, जैसा कि मैंने आरक्षण नीति के बारे में बताया, उसकी तरफ जा रहा है। तो ये समाज देख रहा है, फैसला तो समाज को करना है। कि मंत्रिमंडल जब बना उसी ज़माने हुआ कि एक और विस्तार होना है, तो समय के साथ जाहिर सी बात है कि समय भी बीता और कई चीज़ें थी बीच में आती चली गई, कुछ जगहों पर इलेक्शन था, कुछ हमारे यहाँ थी दिक्कत। तो अब 23 के बाद वो चीज़ें भी तय हो जाएंगी और कांग्रेस पार्टी के दो बर्थ कैबिनेट में मांगने की भी लॉजिक है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 तारीख को बिहार में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें तमाम विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शकील जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, 23 तारीख को बैठक होना है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? तैयारी बहुत ही बेहतर है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जितने भी विपक्षी दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व की बैठक है, एक साथ इस समागम में सब लोग हैं। हम लोग इस बात की रणनीति तय करना है कि यह जो अधिनायकवाद देश में चल रहा है, ये जो गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, या जो आर्थिक नीतियों के कारण देश आर्थिक गुलामी की तरफ गया है, देश दलितों के खिलाफ मुहिम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह के आइडियाज़ लेके आती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट यूनिट को बांट देना, प्राइवेट लोगों को दे देना, इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर की रिजर्वेशन पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का अत्याचार हुआ है और आपसी एकता और सामाजिक न्याय पर जिस तरह का हमला हो रहा है, इन सब के खिलाफ विपक्षी एकता विचारों से बंधे हुए हैं। तो ये विचारों के एक सूत्रता में बंधे हुए लोगों की एका की ये बैठक है, बहुत ही शानदार हमारी तैयारी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे आन बान शान के साथ इस्तकबाल में अपने नेता के जुड़ी हुई है और बिहार में यह दिखेगा कि बिहार वो धरती है जहाँ से विपक्षी एकता एक साथ आई और साथ साथ आने वाले दिनों में देश का भविष्य भी तय हो रहा है। चेहरा कौन होगा, सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, इसको लेकर राजद नीतीश कुमार का नाम आगे कर रही है प्रधानमंत्री। हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष जगह पे देखे और उनकी इच्छा होनी चाहिए, उसमें आपको अमल दखल की ज़रूरत है। जैसे कांग्रेस पार्टी की बहुत इच्छा है, पार्टी वर्कर की, नेताओं के, कि जो मेरा शीर्ष नेता है वो शीर्ष में पहुंचे। लेकिन यह तो कबल अज वक्त बात करना हुआ, अभी तो 23 तारीख हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हम कामयाब हैं, फिर उस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने में हम संघर्षों में जाएंगे, जनता को और अवगत कराना, अभी तो तह बतह
चीज़ें आपस में आगे बढ़ेंगी। तो अभी वो समय नहीं आया है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, कौन चेहरा होगा नहीं, जो वो तय करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि विपक्षी एकता को कितना धारदार और मजबूत बनाया जाए, जिसका प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों आज तमिलनाडु जा रहे हैं, एमके स्टाइल से मुलाकात करेंगे, न्योता भी देने की बात आ रही है। न्योता तो सबको जा चुका है, सबके कन्फर्मेशन आ चुके हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ करुणा निधि जी का एक फंक्शन है, उसमें अखबारों के माध्यम से पता चला है और मुझे मालूम हुआ है कि वो लोग सब जा रहे हैं, लेकिन वो तो आ ही रहे हैं, 23 तारीख को आने का ये है। कार्यक्रमों में कभी कोई किसी आकस्मिक वजह से कोई मुख्यमंत्री है किसी वजह से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये सब होता रहता है, बट कार्यक्रम 23 तारीख को तय है। विपक्षी एकता के शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठेगा, संघर्ष को और आगे तेज़ करेगा, मुद्दों पर बातचीत होगी और ये एक बैठक है जो सीरियसली इसको आगे बढ़ाएगी। अंतिम सवाल रहेगा, जीतनराम मांझी लगातार कहा करते थे कि हम मुख्यमंत्री का साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री मुझे बनाने का काम किया, एक दलित को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और अब थर्ड फ्रंट बनाने की बात। नहीं, मांझी जी ने ये सही कहा, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत तौर पर भी और बहैसियत मुख्यमंत्री के वो हमेशा आगे रहे हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मांझी जी ने यह एक्सेप्ट तो किया, लेकिन अब उनके ऊपर मैं छींटाकशी नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, बुज़ुर्ग नेता हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि चले गए, लेकिन जो बातचीत वार्तालाप बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से हो रहा था, यहाँ विपक्षी एकता की बात हो रही है, आप चले गए साहब अमित शाह जी से मिलने के लिए, ऐसे समय में जब विपक्षी एकता की बात हो रही है और ख़ुद ही रिज़ाइन कर दिया, तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर वो नए रास्ते को तलाश कर रहे हैं। तो जो भी रास्ता तलाश करें उनको मुबारक, मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन ने व्यक्ति के साथ साथ जो समाज है, मान लीजिए कि मांझी जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज में किसी तरह का टूट नहीं है और उसी समाज के एक व्यक्ति को हमने इमीडिएटली मिनिस्टर भी बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तो समाज में हमारी एका बनी हुई है और समाज ये देख रही है कि कौन सा व्यक्ति किन कारणों से समाज को जो फायदा हो रहा था उस फायदे को छोड़ करके जिससे समाज का नुकसान हो, जैसा कि मैंने आरक्षण नीति के बारे में बताया, उसकी तरफ जा रहा है, तो ये समाज देख रहा है, फैसला तो समाज को ही करना है। सवाल रहेगा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस क्या? कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये बात रखी है कि मंत्रिमंडल जब बना उसी ज़माने हुआ कि एक और विस्तार होना है, तो समय के साथ जाहिर सी बात है कि समय भी बीता और कई चीज़ें थी बीच में आती चली गई, कुछ जगहों पर इलेक्शन था, कुछ हमारे यहाँ थी दिक्कत, तो अब 23 के बाद वो चीज़ें भी तय हो जाएंगी और कांग्रेस पार्टी के 2 बर्थ कैबिनेट में मांगने की भी लॉजिक है। और लॉजिक ये है कि जब यह बात हुई थी तो यह बात हुई थी कि वामपंथ भी अगर हमारे साथ शामिल होता तो उनको भी मंत्रालय में जाना चाहिए, हम तो आज भी चाहते हैं कि उनके लोग भी मंत्रिपरिषद में आए, तब तो फिर जो है उसमें कोई दिक्कत है, जब वो नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि यह लॉजिकली 2 होना चाहिए, 2 सीट चाहिए। तो वहीं विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ कहते शकील अहमद खान, आपने सुना है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का यह साफ कहना है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा 23 तारीख को, विपक्षी एकता की बैठक होगी, तमाम विपक्ष के नेताओं ने हामी भरी है। तो वहीं देश से केंद्र सरकार जिस तरीके से भाजपा की चल रही है उसको कहीं ना कहीं उखाड़ के फेंक देना है, क्या कुछ कहते शकील अहमद खान, तमाम अपनी प्रतिक्रिया सुनी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।